नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे से लोक भवन में शुरू होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में विधानमंडल के मानसून सत्र के प्रस्ताव समेत करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें गृह, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कुछ विभागों की नीतियों के प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता विवांशु का रुख करेंगे। विवांशु, यूपी कैबिनेट की बैठक है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 11 बजे लोक भवन के अंदर में कैबिनेट की बैठक रखी है, जिस बैठक के अंदर में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वही आपको बताया कि दर्जनों से ऊपर प्रस्ताव पारित होंगे। आपको बताया कि ग्राम विकास, नगर विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज जो तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके समक्ष पेश किए जाएंगे। वही आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ सरकार इसे देखा जाए तो मानसून सत्र बुलाना चाहती है, इसको लेकर वो कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है कि मानसून सत्र की कब शुरुआत हो। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां योगी सरकार के सरकार बनते ही 2.0 की शुरुआत में ही कहा गया था कि शुरुआती 100 दिन का कार्य प्रणाली को तय किया जाएगा, उसी क्रम में उसके ठीक बाद 6 महीने की जो रिपोर्ट होगी वो मुख्यमंत्री के समक्ष, उस विभाग के प्रमुख सचिव मंत्री के समक्ष, मंत्री के समेत मुख्यमंत्री के समक्ष अपने प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। उसी क्रम में उस 6 महीने का जो टारगेट है उस पर भी बात किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से कल्पवास को लेकर जो मंत्री हैं, साथ ही साथ राज्य मंत्री हैं, इन सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया था कि कल्पवास के तहत आप क्षेत्रों में जाइए और जनता के बीच रहिए और समावेश बनाइए। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो 12 अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। वही देखे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। इससे ठीक पहले 3 इन्वेस्टर समिट हो चुका है जिसमें देश भर के उद्योगपति सम्मिलित हुए थे, मगर इस बार इसको भव्य बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो विदेश में जाकर जो विभागों के सचिव है वो अपने प्रस्तावों को रखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का सपना है कि 1 बिलियन इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, उसी क्रम में वो काम करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि मयूरी 11 बजे से लोक भवन के अंदर में जो बैठक होनी है, उस बैठक में जो 12 अहम प्रस्ताव हैं, उसमें से कितने पास होते हैं, साथ ही साथ किन विषयों पर चर्चा की जाती है। वही आपको बताएं कि मुख्यमंत्री की तरफ से जहां कानून व्यवस्था को लेकर लगातार इसमें काम किए जा रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री से वो कैबिनेट की बैठक में उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था है और कानून स्थापित करने की बात कही जा रही है वो सही ढंग से हो पाए। जी विवांशु, कैबिनेट की बैठक में किन अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लग सकते हैं? जी मैं भी आपको बता दें कि स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास, ऐसे कई सारे प्रस्तावों को आज मंजूर किया जा सकता है और इस पर चर्चा की जाएगी। और मिली जानकारी के अनुसार सकती है 11 बजे ये सभी मंत्री, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और साथ ही साथ कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में आज पूरे प्रस्ताव पे चर्चा की जाएगी। और वही देखने वाली बात ये होगी कि आज इस बैठक के अंदर में क्या क्या चर्चाएं होती है। जो खबरें निकल के आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 12 अहम प्रस्तावों पे मुहर लगेगी, साथ ही मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं उनसे मानसून सत्र के लिए जो है सदन की कार्रवाई है उसके लिए प्रस्ताव भी देंगे और इस पर सदन के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं उनकी तरफ से उस पर मुहर लगा के जल्द ही मानसून सत्र की शुरुआत होगी। इसमें देखा जाए तो सरकार अभी देखे उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सारे कानून जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पेंडिंग में है, तो आने वाले दिनों में जो मानसून सत्र होगा उसमें वो जो अभी जो कानून पास नहीं हुए हैं, कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, उन पर भी मानसून सत्र के अंदर में चर्चा होगी। और वही अगर देखने वाली बात ये भी होगी कि अब जब कैबिनेट की बैठक हो रही है और जहां मंत्रियों से
आज मुख्यमंत्री मानसून सत्र को लेकर हामी मांगेंगे और उनकी तरफ से अपना अपने प्रस्ताव को रखेंगे मानसून सत्र को लेकर। तो इसमें भी देखने वाली बात यह होगी, जब मानसून सत्र होता है तो जहां एक तरफ पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं अभी उतावू है, जहां कांग्रेस की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टियों में अगर देखे तो सबसे जो ज्यादा सीटें लाने वाली सपा, ये सभी अभी सोशल मीडिया और मंचों के माध्यम से सरकार को घेर रही है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से मानसून सत्र पर मुहर जो लगाने की बात कही जा रही है और जो मंत्रिमंडल है उनसे प्रस्ताव दिए जाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। अब जो 52 प्रस्ताव है वो अहम प्रस्ताव है, इससे कहीं ना कहीं जो विकास का पिटारा है वो खुलते हुए नजर आएगा, क्योंकि देखा जाए स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं जो सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और वही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर में हर एक जिलों में 100 बेडों का अस्पताल होगा, साथ ही साथ जो टेस्ट की सुविधाएं हैं उसे निःशुल्क प्रदान की जाएगी, साथ ही नगर विकास के अंदर में ऐसे कई सारे नगरों की बनाने की कवायद चल रही है जो टाउन हाउस से नगर में तब्दील करने की, तो इस पर भी प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। टोटल 12 अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकते हैं। जी मयूर, 12 अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, इससे जनता को कितना लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, अगर जिस विभाग के प्रस्ताव को आज पास किया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सही ढंग से चले, सुचारू ढंग से चले, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अगर प्रस्ताव पास हुए, बजट पास हुआ, तो जो मंत्रियों के द्वारा 6 महीने का रोडमैप तैयार किया गया है उस पे काम हो सकेगा। जी जी धन्यवाद वंशु तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।